ये एलसीडी का कार्ड है, ये एलसीडी की पावर सप्लाई है। एलसीडी का असल कार्ड जल गया था, हमने दूसरे लगा के तैयार कर रहे हैं। फिर काफ़ी टाइम के बाद एलसीडी वाइट वाइट पे ऐसा हल्का सा जर्जर आ रहा है, जैसे कि पिक्चर वाइट वाली सही नहीं दिख रही। हमने उसको खोला है, पैनल को एलसीडी को दोबारा खोला है, इसको साफ कर रहे हैं। दोबारा मैंने इस कार्ड को साफ करा है और ये जो आप देख रहे हैं ये पैनल है, ये एलसीडी का पैनल है जो हमने खोल के इसको साफ करना है। या तो मिट्टी आई है या तो नमी आई है, उसकी वजह से वो थोड़ा हल्का हल्का पैनल ख़राब हो रहा था, यानी पिक्चर में थोड़ा कलर का मसला हो रहा था, उसकी वजह से हमने ये खोला है सेट करने के लिए। आसान है, मुश्किल नहीं है, आप बंदा एक घंटे में अपने घर में ही एलसीडी को सेट कर सकता है। यह पावर सप्लाई एलसीडी का, अगर यही सिस्टम बड़ी वाली एलसीडी में बंदा लगाए ना तो वो फर्स्ट क्लास रिजल्ट देगी, अच्छी पिक्चर दिखाएगी। ये सिर्फ अलग अलग से पुर्जे लगते हैं, देखो ये डीवाई है विजय कांग है और ये है पावर सप्लाई अलग से। और ये चीज आप लोग जो देख रहे हैं ये एक पैनल है, ये एलसीडी का पैनल है, ये पिक्चर है जिसको हम साफ कर रहे हैं। इसमें अंदर अगर मिट्टी जाती है तो भी पैनल खराब होने लगता है। इन दोनों के दरमियान मिट्टी ना होनी चाहिए, उसकी वजह से हमें पिक्चर सही नज़र नहीं आता। वो कोई फिल्म वगैरह देखते हैं उसमें कलर की चेंजिंग आ जाती है, कलर खराब होने लगता है, तो वाइट वाइट सामने दिखने लगता है। इसको साफ करके हम बंद करेंगे। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बंदा घर बैठ के कर सकता है। देखो ये जो पिक्चर ट्यूब है ये उसकी लाइनें हैं वाइट वाले, ये अलग से, और ये पैनल है, ये पैनल की लाइनें हैं, पैनल पे भी सही नहीं है मिट्टी है, हमें इसे भी टाइट करना है क्योंकि इसकी वजह से भी कलर में खराबी आ जाती है। आधी पिक्चर दिखाती है आधी पिक्चर नहीं दिखाती है, इनकी वजह से दिखाती है। ये लाइनें अगर सही बैठी होंगी मुकम्मल, उनको यूं करके देखेगा तो आधी पिक्चर भी पूरी हो जाएगी, मगर कोई आम सा बंदा नहीं कर सकता। जिसको इस चीज़ का इल्म है तजुर्बा है वो कर लेगा।
आजकल के मैंने मैकेनिक देखे हैं इतनी मेहनत नहीं करते हैं एलसीडी पे। और बी वाले सही चल रहा है, मैं सुपर कर रहा हूं, निकल तो भी आ रहा है, चले के लिए कर रहा हूं। आजकल मैकेनिक इतनी मेहनत नहीं करते, अगर वो मेहनत करेंगे तो आप लोगों की एलसीडी कम खर्चे में ठीक हो जाएगी और सही भी हो जाएगी। मैकेनिक ज़्यादा पैसा मारने की वजह से किसी गरीब का ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, उसका ख्याल नहीं करते। जब पैनल टूट जाता है तो तब भी पैनल खराब हो जाता है, वरना ऐसे बिला वजह पैनल थोड़ी खराब होता है। लेकिन तो बोलते हैं पैनल टूट गया, खराब हो गया, ये हो गया, पैनल जल गया, पैनल जलता भी नहीं है। पैनल में लाइटें होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, लाइटें बंदा चेंज कर सकता है, उसकी वजह से पैनल जल जाता है। आजकल के मैकेनिक बस थोड़ा से खर्चे में अपना खर्चा निकाल लेते हैं, बस बोलते हैं अब दूसरे की चीज़ है, हम उसे बोलेंगे पैनल जल गया है, वो पैनल को बनाएगा थोड़ी, अगर वो पैनल को बनाएंगे तो वो भी आसानी से बन जाएगा। पैनलों में क्वालिटी होती है, अलग अलग सी क्वालिटी है। पापा डांटता है, बनाता है तो हेलो और लिमा लिमा राम ने डांटा तो है और मच्छी ने तो देगा। और हेलो गाइस, मैं पापा को देखो था ये कितना काम करेगा और इतना ताकत मिल सकती है। ये मैं कहीं दुकान वुकान पे नहीं हूँ, घर में है, अपनी एलसीडी को खुद ठीक कर रहा हूँ। दुकान में बहुत अच्छा चीज होता है। जब भी कोई एलसीडी आप लोगों को खोलनी हो तो यूं खुलती है, यहाँ से। इसमें कोई नट कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता। खोलने का तरीका देखो, ये यूं करो ऐसी एलसीडी खुलती है। कोई भी अगर कभी भी एलसीडी खोलनी हो हेलो गाइस, हम लोग को खेलिए आता है। ये चीज खुल जाएगी ऊपर वाली ना, ये नीचे से खुद ब खुद खुल जाएगा, पूरा पैनल बाहर है। पूरा
कपड़े नहीं पहने मेला तो तुम्हें खुदा ने ये एलसीडी तैयार हो गई। अब हम इसको घर में ही चलाएंगे, चला के ही देखेंगे। घर में चला कर अगर आपके पास कभी कोई पानी नहीं है, पानी लेने वाला नहीं है, तो आप अपनी थूक ही इस्तेमाल कर सकते हैं पैनल को साफ करने के लिए। थूक भी सही है, तेजाबत है, इंसान में ज्यादा तेजाबत होती है। अगर पानी लगाएंगे तो खराब हो जाएगा पैनल। अब हमें चिल्ला ही दे पाई भेज दिया।